बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी लेसन नंबर 28 अबाउट साइकोलॉजी एंड कल्चर, के साइकोलॉजी और कल्चर का आपस में क्या ताल्लुक है। असल में सबसे पहले तो ये हम लोग देखें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने, क्योंकि उन लोगों का काम ही यही था कि वो सोसाइटीज़ के दरमियान वो देखते हैं कि कल्चर की डिफरेंट सोसाइटीज़ की आपस में कल्चरल डिफरेंसेस कौन कौन सी हैं, सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी हैं। फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको साइकोलॉजिकली हम लोग इसको देखें कि साइकोलॉजी किस तरह से इन डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को स्टिमुलेट करती है, यानी कि क्यों नफसियाती तौर पर जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ के जो लोग होते हैं, जो लोग उन लोगों के जो कल्चर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। असल में जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो स्टीरियोटाइप्स को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि एक एथनोसेंट्रिक जजमेंट हम लोग, हैस्टिक का मतलब होता है बहुत जल्द, एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जो हम लोग नस्ल की बेस पर नस्ली इम्तियाज़ जो हम खड़ा कर देते हैं ना, बहुत जल्दी हम किसी भी नस्ल के लोग को देख के उनके बारे में कोई हम लोग स्टीरियोटाइप बिल्ड कर लेते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस चीज़ को रिजेक्ट करता है। एंथ्रोपोलॉजिकल जो क्यूरीज हैं अबाउट साइकोलॉजी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो साइकोलॉजी का क्यों इसके साथ लिंक बनाना चाह रहे थे, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे थे कि जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो साइकोलॉजिकली एक ही तरह से डिवेलप करते हैं या कोई डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल डिवेलपमेंट के। दूसरी वो ये चीज़ देखना चाह रहे थे कि जितने भी कोई भी सोसाइटी है उन लोगों की साइकोलॉजिकल डिफरेंस जो होते हैं वो पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दूसरी सोसाइटी से क्यों डिफरेंट होती है, व्हाट एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी करेक्टर्स, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी में कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स होते हैं कि जो साइकोलॉजिकली डिफरेंट कर देते हैं एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से, ठीक है। और तीसरी बात वो ये देखना चाह रहे थे कि डिफरेंट सोसाइटीज़ के जो लोग होते हैं वो पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी की डिवेलपमेंट को किस तरह से देखते हैं, किस अंदाज में देखते हैं। चौथी बात वो ये देखना चाह रहे थे कि कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो कैसे जो है वो कल्चरल वेरिएशंस लेके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्टडी की थी, रिसर्च जो उन्होंने सबसे पहले की थी वो उन्होंने इमोशंस के बारे में की थी, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि वो कहते थे कि जब इस बच्चा जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो जब उसके जज्बात की जब डिवेलपमेंट हो रही होती है वो किस तरह से कल्चरल डिफरेंसेस को अफेक्ट करती है। तो अर्ली रिसर्च इन दिस एंथ्रोपोलॉजी वाज कंसर्न मेनली विद सपोजिटली यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले जो एंथ्रोपोलॉजी ने जो रिसर्च की थी वो इमोशंस के बारे में की थी, विच सीम्स टू बी अफेक्टेड बाय कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि बहुत जो मुख्तलिफ कल्चर्स होते हैं ना, मुख्तलिफ कल्चर्स उनके लोगों के इमोशंस भी मुख्तलिफ होते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल्स ये दी थी कि जो सैमोआन गर्ल्स होती हैं, मार्गरेट मीड ने इस चीज़ को जब वो फाइंड आउट किया था कि जो सैमोआन गर्ल्स होती हैं वो लेस रिबेलियस होती हैं, यानी कि वो इतनी ज़्यादा बागी नहीं होती, बगावत की तरफ उनका रुझान कम होता है, या वो इमोशनली जो है ना वो लेस टर्मोइल होती है। टर्मोइल को होता है, टर्मोइल का मतलब होता है जो बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, जिसको बहुत जल्दी जो वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जैसे नौजवान होते हैं ना जो माँ बाप की बात नहीं बर्दाश्त करते तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो वो एक टर्मोइल होती है, वो टर्मोइल स्टेज होती है वो नौजवानी की, जो जिसमें वो जो है ना वो लोग ज़्यादा रिबिलियस होते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा था कि जो सैमोआन गर्ल्स होती हैं ना, ये एक कंट्री की जो गर्ल्स हैं, यानी कि सैमोआन गर्ल्स जो होती हैं वो इमोशनली टर्मोइल लेस टर्मोइल होती हैं, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो एडोलेसेंस का, यानी कि जो नौजवानी का जो वो टाइम होता है, यानी कि जो टीन एज ईयर्स जो होते हैं उसमें टर्मोइल इतनी ज़्यादा होती है कि इमोशनली वो जो एडोलेसेंट जो लड़कियाँ लड़के होते हैं वो बिल्कुल आज़ाद हो के रहने के लिए वो ख़ुद को इमोशनली वो तैयार करना चाह रहे होते हैं कि हम पर किसी की कोई पाबंदी ना, हम लोग फ्रीडमली जो चाहें करें, हमें कोई रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं, ठीक है। तो उन्होंने ये इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च की थी कि क्यों ये इमोशनल डिफरेंसेस हैं सोसाइटीज़ के अंदर। देन साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स, यूनिवर्सल्स का मतलब होता है कि जो चीज़ खुद ब खुद हमारी नफसियात में पाई जाती है, ठीक है। एक होती हैं अडेप्टिव चीज़ें होती हैं जो हम लोग खुद अडेप्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग खुद उसको अपनाते हैं। कुछ यूनिवर्सल्स होती हैं जो कि नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर, हम लोग उसको चेंज नहीं करते, हम लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते, वो खुद ब खुद ही हमारे अंदर होती हैं। तो साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल यानी कि नफसियाती तौर पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर पाई जाती हैं, टू मेक बाइनरी कंट्रास्ट, एक तो ये है कि हम अपना मुवाजना किसी दूसरे बंदे के साथ करते हैं, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकली एक यूनिवर्सल है, ये हम हर इंसान के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। ऑर्डर फिनोमेना यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ को एक ऑर्डरली, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे फ्यूचर जो है उसको हम लोग प्लान करते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल होता है, ठीक है।
एंड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, या फिर हम लोग अपनी दुनिया को अपने इर्द गिर्द को जानने की जो कोशिश करते हैं, या हमें जितनी समझ बूझ होती है, हमें जितना नॉलेज होता है अपनी दुनिया के बारे में, वो सारे साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स में आ जाता है. देन ऑल पीपल हैव अ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, हर किसी को सेल्फ का कंसेप्ट होता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ. खुद ही का जो वो एक तस्वर है, हर बंदा जो है वो खुद को जानता होता है, ठीक है, खुद को भी जानता होता है और वो दूसरों को भी एम्पथाइज करता है कि दूसरा अगर दुख में है, दूसरा अगर हर्ट है, तो वो इसको एम्पथाइज करने की, उसको कूल डाउन करने की, उसको हैप्पी करने की, उसको खुश करने की वो कोशिश करता है. दूसरों के इमोशंस को वो समझता भी है, दूसरों के इमोशंस को वो पहचानता भी है, ठीक है. ये एक यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगले बंदे के चेहरे पे अनसैड जो है वो तासरात है, तो हम लोग जो है वो उसको देखते नहीं है, हम लोग देखते हैं तो हमें वो खुद ही समझ आ जाती है, ठीक है. हम लोग उसके हमें वो अगले बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग खुद ही समझ जाते हैं वो क्यों होता है. वो नफसियाती तौर पे, क्योंकि नफसियाती तौर पे हम दूसरों को समझने की सलाहियत जो है वो रखते हैं. द कॉग्निशन एंड कल्चर, कॉग्निशन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को जहन में जब हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ना, ठीक है, जब हम लोग किसी चीज़ को अपने जहन में सोचते हैं, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, तो उसको हम लोग कॉग्निशन कहते हैं. रिसेंट रिसर्च ऑन द साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल फोकस इज ऑन कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो हम लोग डेवलपमेंट जो भी होती है, जो हम जहनी तौर पर हम लोग खुद करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, या हम लोग जो सोच समझ कर कोई भी काम, कोई भी हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, या कोई भी हम लोग अपने इश्यूज़ जो है वो सॉल्व करते हैं, तो वो सारी कॉग्निशन पे आती है. और साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स का जो है ना मेन फोकस सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियर्स पर ही था, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वो ये देखना चाह रहे थे कि इट कंसिडर हाउ डिफरेंट कल्चर्स एक्वायर थिंकिंग हैबिट्स सच एज फॉर्मल ऑपरेशन नोशंस, के डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, उनके अपने अपने थिंकिंग हैबिट्स उन लोगों की किस तरह से होती हैं, ठीक है, वो किस तरह से भी किसी भी सोल्यूशन को, कोई भी सोल्यूशन निकालते हैं, वो किस तरह से सोच के निकालते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उन लोगों का क्या अंदाज होता है, वो किस तरह से सोचते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कॉग्निशन में आ जाती हैं. इन लुकिंग फॉर यूनिवर्सल्स मैनी रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड सम अपेरेंट डिफरेंसेज, येट मोस्ट टेस्ट यूज इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च फेवर्स थिंकिंग पैटर्न्स टॉक इन. अच्छा, उन लोगों ने डिफरेंट चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट की ना, क्योंकि कल्चर्स में क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर्स में थिंकिंग पैटर्न्स भी, हर किसी का अपना एक अंदाज़ होता है सोचने का, चीज़ों को सॉल्व करने का, लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स में जो थिंकिंग पैटर्न्स फॉर्मली जो है वो वही होते हैं नॉर्मली हर किसी के, जो कि उन लोगों को फॉर्मल स्कूल्स में सिखाए जाते हैं कि आप लोगों ने इस तरह से सोचना है, आप लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम्स को. देन क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस, यानी कि डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान जो वेरिएशंस, यानी कि एक डिफरेंसेस होते हैं, उन वो क्या होते हैं कि इंस्टेड ऑफ द फोकसिंग ऑन द यूनिकनेस, अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने ये नहीं देखा था कि कौन सा कल्चर दूसरे से यूनिक है, उन्होंने यूनिकनेस पे फोकस नहीं किया था, उन्होंने ये देखा था कि साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस कौन से हैं किसी भी कल्चर के दरमियान या डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान, ठीक है. साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस उन्होंने वो देखे थे, उन्होंने फोकस किया था कि जैसे चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, यानी कि बच्चे पालने का जो अंदाज होता है, कि पर्सनैलिटी डिफरेंस जो होती है, कोई भी पर्सनैलिटी होती है वो डिफरेंस क्यों होती है. एक तो उन्होंने ये इस बात पे फोकस किया था कि जिस तरह से बच्चे की नशोनुमा की गई, जिस तरह से बच्चे की परवरिश की गई है, उसी हिसाब से जो है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है. तो उन्होंने ये कहा था कि वेज ऑफ परवरिश करने के जो तरीके होते हैं, उसकी वजह से पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं. लेकिन कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस होती है, यानी कि बच्चों की जो परवरिश करने की जो भी ये होती है प्रैक्टिस, वो अडेप्टिव होती है, वो यूनिवर्सल नहीं होती, यानी कि वो नेचर में नहीं पाई जाती, वो खुद माँ बाप खुद अडॉप्ट करते हैं कि हमने अपने बच्चे को किस तरह से पालना है. एंड सोसाइटीज प्रोड्यूस पर्सनैलिटीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अब सोसाइटीज जो माँ बाप होते हैं वो देखते हैं कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो इस हिसाब से वो उस बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल मिडिल सोसाइटीज़ के अगर पेरेंट्स होते हैं तो वो बच्चों की नशोनुमा किस तरह से करते हैं, वो अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं कि वो बच्चा जल्दी अपनी फैमिली के बर्डन उठाने के लिए रेडी हो जाए, वो उस बच्चे को ट्रेन करते हैं कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ उसको सिखाई जाती है. लेकिन जो इलियट क्लासेस होती हैं वहाँ पे बच्चे के परवरिश करने का अंदाज़ और होता है, बच्चे को क्रिएटिविटी जो है वो इतनी नहीं सिखाई जाती, मतलब जैसे पर्टिकुलरली जैसे पार्टिसिपेशन करवाई जाती है मिडिल क्लास में, इलियट क्लास में ऐसे नहीं किया जाता, उन लोगों को महंगे स्कूल में डाला जाता है, वहाँ पे वो देखते हैं कि इन लोगों की ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस जो है वो उन लोगों का होता है, ठीक है. तो इस तरह से जो है सोसाइटीज में जो चाइल्ड रियरिंग का फिनोमेना था वो सोसाइटीज़ की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है. आज हमारा लेक्चर नंबर 28 भी हो गया डन. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. दैट इज़
इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में भी हो सकता है। ये जो मैंने येलो हाईलाइट की हुए हैं ये हमारे क्विजेज आ सकते हैं, ये आप लोग भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए, जो येलो येलो जो हाईलाइट है ये। और ये एक साइंटिस्ट का नेम है मार्गरेट मीड, ये आप लोगों ने याद रखना है, इमोशनल डेवलपमेंट में इनका काम था। देन आप लोगों ने कॉग्निशन एंड कल्चर, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, आप लोगों ने हैंड आउट में से देखा करें। जब भी आप लेक्चर सुनते हैं आप लेक्चर सुनने से पहले एक दफ़ा हैंड आउट रीड किया करें, देन आप लेक्चर सुना करें, लेक्चर सुनने के बाद आप एक दो दफ़ा दोबारा जो है वो अपना हैंड आउट रीड किया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को इतना जल्दी जो है वो कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं, वरना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।